नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम IIM के इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और तकरीबन IIM के 20 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं आपको 20 इंस्टीट्यूशन की पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा और मेरे वीडियोज़ के द्वारा अब तक दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IIM का और एक इंस्टीट्यूशन जो इंदौर में है। तो आज का टॉपिक है IIM इंदौर। स्टूडेंट्स और बच्चों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और MBA के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे कि हम और जब भी हम MBA के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIM, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जब भी हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि कोर्सेस, वहाँ पे कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते होंगे। जैसे कि हम अगर इंदौर के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में पहला सवाल होता है वहाँ पे कौन से कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ी रेंज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पे चलेगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम वहाँ से MBA कंप्लीट करते हैं तो हमें सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, क्योंकि हम पूरा करियर वहाँ से करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, MBA में एडमिशन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल PT क्या होगा अगर वहाँ पे हमें एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है तो, और साथ ही में अगर वहाँ पे हमें एडमिशन लेना है तो वहाँ पे फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्कॉलरशिप की होती है, स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं। तो ये है आज के पूरे सवाल और इसी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान दिए जाने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर आप इस चैनल में नए हैं, अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा ये एकेडमिक इनसाइट चैनल, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ के, नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बिना अपना टाइम गंवाए मैं आपको ये वीडियो शुरू कर दूंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं वो पूरे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि हमें पता है, जो IIM इंदौर है ये काफ़ी तगड़ा और अच्छा मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो संस्थान है, 1996 में इसका प्रस्तापित हुआ है, ये स्थापना इसकी 1996 में हुई है। जब जहाँ तक NIRF रैंकिंग की बात है, इस इंस्टीट्यूशन को 7वां रैंक दिया है। और जहाँ तक हम कैंपस की बात करेंगे तो ये पूरा इंस्टीट्यूशन 193 acres में पूरा बसा हुआ इंस्टीट्यूशन है। 193 इज़ अ ह्यूज एरिया, और इस पूरे एरिया में ये इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई देगा, और ये काफ़ी तगड़ा इंस्टीट्यूशन है। जहाँ तक कोर्सेज की बात है, यहाँ पे पूरे नौ कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं, और वो पूरे नौ कोर्सेज के लिए बच्चों को ऑफर दिया जाता है। तो देखते हैं आगे जाके फ़ी रेंज क्या होगा, जो हमारा पूरा और जो क्लोज मैटर होता है वो होता है फ़ी का। तो देखते हैं हम फीस क्या पे यहाँ पे कितना चार्ज किया जाता होगा। यहाँ पे जो फीस चार्ज किया जाता है IIM इंदौर द्वारा, वो है 4 lakh से लेकर 18 lakh तक, 4 lakh से लेकर 18 lakh तक आपको फीस यहाँ पे चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द और आपके स्कोर्स के हिसाब से। जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला है, अगर आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, चाहे वो MBA हो और कोई अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल हो, ट्रेडिशनल हो, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। मगर आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स उस डिग्री में होना ज़रूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे, अगर मुझे IIM इंदौर में एडमिशन लेना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। मुझे देना है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये एग्ज़ाम हमें देना होगा और उसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब भी हम एडमिशन लेते हो तो सैलरी के बारे में ज़रूर सोचते हैं। यहाँ पर जो
हाईएस्ट सैलरी पैकेज लास्ट ईयर ऑफर हुआ है 2020 में, वो था 63.5 लाख पर एनम, ऑलमोस्ट 64 लाख का पैकेज लोगों को लास्ट ईयर 2022 में मिला है। तो देखते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस में ही अवेलेबल है, और द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वो सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ तक कि एमबीए एडमिशन और यहाँ के एडमिशन का सवाल है, वो एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के जो आपका स्कोर है, उसके बाद जीडी का जो स्कोर है, पीआई का जो स्कोर है, और आपका ग्रेजुएशन का जो स्कोर है, वो पूरे मिला के यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले साल का अगर हम ओवरऑल परसेंटाइल यहाँ पे देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, वो होता है 90 हुआ है। हर साल ये चेंज होता रहता है, हर कैटेगरी के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलना यहाँ पे भूल गया, वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो नीडी लोग हैं, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। तो ये है वीडियो जो हमने बनाया आई एम इंदौर के बारे में। मुझे लगता है ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा ये एकेडमिक इंसाइट यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है, उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में भी इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर सच्ची में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ये मेरा ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये वीडियो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण बात, जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, उस कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और अच्छा और बेहतरीन बना दें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचेंगे और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।